पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की गोलीबारी में आतंकी हरविंदर रेंदा का गुर्गा तरनजीत सिंह घायल हो गया है। तरनजीत सिंह को 2 गोलियां लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के मोहाली जिले में आतंकवादी हरविंदर रेंदा के गुर्गे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जीरकपुर में हुए इनकाउंटर में आतंकी हरविंदर रेंदा के गुर्गे तरनजीत सिंह को 2 गोलियां लगी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इनकाउंटर में घायल तरनजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर तरनजीत सिंह ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी और जीरकपुर के पीर मुछल्ला में हथियार छिपाए हुए थे। पुलिस उसे उसी जगह पर लेकर जा रही थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हरविंदर रेंदा से तरनजीत सिंह के खास कनेक्शन है। तरनजीत सिंह पर पंजाब में 6 मर्डर और फिरौती लेने के कई मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस का ये गैंगस्टर मोस्ट वांटेड रहा है। फिलहाल तरनजीत को अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। पूछताछ में गैंगस्टर से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अपना तरनजीत सिंह एलियस जस्सा हैपोवाल वो पुलिस एक्शन के इंजर्ड होया है। इसकी पुष्टभूमि मैं तुम दस देना है। यह इज अ क्लोज एसोसिएट, यह बहुत नजदीकी का साथी है सोनू खत्री का, जो कि टैरिस्ट हरविंदर रेंदे का बहुत नाल मिलकर जुर्म को अंजाम देंगे ने। NDPS का काम करते हैं, टारगेट किलिंग्स करते हैं, कंट्रैक्ट किलिंग्स करते हैं। ये जरा अज जो होया करणजीत सिंह जरा हैपोवाल है, जस्सा हैपोवाल ये नवांशहर जिले का रहने वाला है। इसने फरवरी 2021 तो लैके हूँ तक 6 मर्डर किए ने और यह तुम याद हो अक्तूबर के महीने के ही इसने 3 मर्डर 3 दिन के अंदर अंदर किए। एक जरा जलंधर रूरल एरिया एक माँ तो उसकी कुड़ी का किया। ये तो ही थोड़ा मैं लैके जाना कि जुलाई के महीने जीरकपुर के मैट्रो थाने के मैट्रो स्टेशन को मैट्रो प्लाजा के कोल इन्होंने इंदर उत्ते एक जानलेवा हमला किया। इंदर जड़ा एक एक बंदा फिगर होया जस्सा मानोवाल। जस्सा मानोवाल ये शक करता कि उसके वाइफ के इंदर नाल इलिसिट रिलेशन है। उसने सोनू खत्री नाल राबता कायम किया, उसने इस कंटैक्ट किलिंग का ठेका दिता, जिस दे तहत इसने इंदर नू जुलाई के महीने के जानलेवा उसते हमला किया। उस तो बाद जदों ये उतों जुलाई के महीने वारदात करता है, ये वक् वक् थावां ते अपना लुकदा फिरदा है। उसदे विच ये उस दौरान फिर अक्तूबर के 10वें महीने के यह 3 मर्डर करता है, उस जस्सा मानोवाल की सस का तो उसकी वाइफ का। फिर एक इन्हों का कोई जो दोष सी जिस इन्हों की मिसअंडरसटैंडिंग हुई सी वो नवांशहर के एक मर्डर करता है। तो उस तो बाद जो इस नवंबर के महीने गिरफ्तार किया जाता है, तो उस तो असी इस मंडे इस प्रोडक्शन रन से जीरकपुर वाले केस में जिम्मे मैं दसिया जो इंदर उत्ते 307 मतलब अटैम्प टू मर्डर किया, क्योंकि यह बहुत ड्रेडेड गैंगस्टर हैगा ते मर्डर से मर्डर करी जा रहा। इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन PGTF टीम को सौंपी गई थी, जिसमें बड़ा बेखूबी DSP विक्रम उराड़ होर ने किया है। जिस तो इसने इंटरोगेशन की जहन पूछगिछ तो बाद इसने दसा कि जदों जुलाई के महीने मैट्रो के उत्ते इंदर मैट्रो प्लाजा के नेड़े जो इंदर उत्ते अटैक करता है, उस वारदात तो बाद इन्होंने इस एरिया के उसकी इंदर की 3-4 दिन लगातार रैकी की थी। इसने इन्होंने इस जगह को चुन लिया जिस अपने कदम वैपन लुको करेंगे, क्योंकि जो ये रैकी करन जाते मूवमेंट करते उदों अपने वैपन नहीं लैके जाते जो कदम किसी चैकिंग के फस ना जा। तो उस वारदात तो बाद भी जो इन्होंने वारदात को अंजाम दिता है, उस तो बाद जस्सा हैपोवाल वालों एक क्रॉस बॉर्डर समगल्ड चाइना मेड 34 की जी पिस्टल है इस बिल्डिंग के लुको के रख दी जाती है, तो 5 लाइव कार्ट्रिजिज रख दिए जाते जो कि पुलिस टीम वालों रिकवर कर लिते गए हैं। इतने जो असी इस टीम सेड़े ये सारी जी घटनाक्रम है 10:30 के हुई है, जो टीम इस रिकवरी करने वैपन रिकवरी करने लैके आती है, तो यह मौका देख के इसे दर्शन सिंह तो जिसने इस हथकड़ी ला के अपने हाथ में हथकड़ी सी लपेटी भी सी अपने गुट के नाल उसको झटका दे के अपनी हथकड़ी छुड़ा के भाई तो वह गुट वे काफ़ी इंजर्ड है, जो कि जिसनों होस्पिटल भेजा गया है फस्ट एड लिए देखते हैं वो कि इंजरी हैगी है। तो उसू भजन कोशिश नाकाम करने पुलिस वालों वार्निंग शॉट दिता गया, पर इस करके देख के कि नौबियत की है, ये बहुत कोल्ड ब्लडड मर्डर है। जिवें दस रहा कि 3 दिनों 3 मर्डर पिछले
6 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋ ਜਿਸ ਚ ਲੁੜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੂ ਜੈਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੈਪੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਪੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ 6 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਰਡਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਗਨਸ਼ਾਟ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ 30 ਕੈਲਿਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਰਿਕਵਰਡ ਜੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ